नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कीस्टोन स्पीशीज डिफर फ्रॉम डोमिनेंट स्पीशीज। अब डोमिनेंट स्पीशीज न्यू टर्म है जो अब्रेला टर्म से जो करेक्टरिस्टिक्स थे मिलते थे, दैट इज वाई इसमें डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेनी चाहिए क्या लेनी है। एग्जाम्पल में हम एवरग्रीन टॉल ट्रीज लेके चल रहे हैं कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप खजियार जाते हो, शिमला जाते हो, जहाँ कहीं और एरिया जब मुझे नहीं पता, वहाँ देवदार के लार्ज नंबर ऑफ देवदार के ट्रीज हैं, है ना, तो वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो पिछली जो भी एग्जाम्पल थी वो एनिमल की ले रहे थे, तो ये डोमिनेंट की आप एग्जाम्पल ये लेके चलोगे तो जल्दी याद होगा। तो एक इनका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि लार्ज इन नंबर और अबंडेंस इन नंबर। पहले अबंडेंस शब्द को हम यू से अम्ब्रेला की तरफ जोड़ते थे, लेकिन अगर डोमिनेंट आता है तो ये लार्जेस्ट, GEST, लार्जेस्ट नंबर आ गया, तो ये डिग्री का फर्क हो गया। दूसरा है बायोमास, हाईएस्ट बायोमास। बायोमास मीन के जो एनिमल या लिविंग बीइंग, ट्रीज, ग्रास, कुछ भी है, उसके वेस्ट से फ्यूल एनर्जी तैयार होती है, यूज होती है, तो बायोमास हाईएस्ट है, ये लार्जेस्ट नीचे भी है। तो इनसे कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये रहा, इसको कट कर देते हैं, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर और ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। ओके, डोमिनेंट स्पीशीज हैव ए लार्जर इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। अच्छा, नंबर में लार्ज है, इकोसिस्टम में लार्जर इंपैक्ट है कि नहीं है, डिफर फ्रॉम डोमिनेंट, हाउ डू, ओके, तो है कि नहीं है वो नहीं अभी पता हमें, क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं इसको। कीस्टोन स्पीशीज हैव मोर स्टेबल पॉपुलेशन साइज, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो टाइगर जो है हमने देखा था वो मोर स्टेबल और पॉपुलेशन साइज उतना ही रहता है, ये नहीं है, इसको तो रिजेक्ट करते हैं। डोमिनेंट स्पीशीज आर मोर अबंडेंट आ गया, डोमिनेंट आर अबंडेंट, यहां पहले अम्ब्रेला को यूज करते थे, अब अबंडेंट डी को कर लिया, यहां जोड़ लिया। अगर दोनों आते हैं तो डोमिनेंट स्पीशीज राइट आंसर होगा, और अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इन इकोसिस्टम, ये अभी तक का राइट आंसर बेस्ट आंसर है। कीस्टोन स्पीशीज आर मोर रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल चेंज, ये नहीं कहा जा सकता, बेस्ट आंसर सी है, चूज कर रहे हैं। प्रमुख प्रजातियां परिस्थितिक तंत्र के अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कीस्टोन स्पीशीज इज ट्रू, करेक्ट, दे आर ऑलवेज, देखिए मैंने अभी बताया था कि ऑलवेज जहां आ गया शक करना, मैंने शक कर लिया, टॉप प्रीडेटर इन फूड चेन, फूड चेन में टाइगर की एग्जांपल है, ये गुड डिस्ट्रक्टर है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क है, ऑलवेज नहीं होंगे। दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम, दे हैव कीस्टोन की बात है, तो उसका तो हमने पढ़ा लार्ज इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये पढ़ के आए हैं। कीस्टोन अगर निकल गया तो सारे पत्थर गिर जाएंगे, विच इज ट्रू पूछा है ना, तो ये भी गलत हो गया। दे कैन बी एनी स्पीशीज दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल, ये रहा क्रिटिकल रोल, है ना, फंक्शनल की बात की थी, रिडेंसी की बात की थी, तो क्रिटिकल रोल है, सेंट्रल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बेस पर राइट आंसर इसको चूज कर लिया जाता है। दे आर ऑलवेज, यहां पर हर्बिवियस स्पीशीज हैं, ये नहीं होता, तो ऑलवेज ऑलवेज इसकी जगह पर रिजेक्ट हो गए हैं, राइट आंसर हमारा सी है। यहाँ पर वो कोई भी प्रजाति हो सकती है जो परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ना कोई भी हो सकते हैं भाई, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया कि वो प्रीडेटर टॉप ही होंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू कीस्टोन स्पीशीज कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, हिंदी में इधर है, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग अदर स्पीशीज, ऐसी कंपटीशन के सारे जो हैं रिजेक्ट ही हो रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर देना है। बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज, अब इतने टॉल ट्री उनको को कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन डोमिनेंट स्पीशीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम, इंक्रीज तो वो कुछ नहीं, रिचनेस को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं, ये रिजेक्ट हो गया। बाय मेंटेनिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग
इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बैलेंस को इंक्रीज करना है और इम्बैलेंस को डिक्रीज करता है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, दूसरे वाले देखने की जरूरत नहीं है। मेंटेनिंग बैलेंस इसका सेंट्रल आइडिया है। आगे चलते हैं, हिंदी में क्या है, डी है, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने और पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के द्वारा। तो बैलेंस के उल्ट वर्ड को यूज किया है आपने, थोड़ा सा अपना रीजनिंग को यूज कर लेना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इन कोरल रीफ। बिल्कुल नहीं पता, मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं है इनमें से कौन है। क्लोन फिश, कोरल पॉलिप्स, सी अनरिचे, सी टर्टल। टर्टल पहले भी आया है, रिजेक्ट किया था उसको, देख के यहाँ रिजेक्ट कर देता हूँ। वैसे मुझे कुछ नहीं पता, इसका राइट आंसर आपको ऐसे ही बता देता हूँ, यस सी अनरिचे है। ये इसकी फोटो है, कितना प्यारा है, देख लो थोड़ा सा, है ना। ये हम खाते भी है, मैं नहीं खाता चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कीस्टोन स्पीशीज एंड स्पीशीज रिचनेस। उसमें कुछ है, कीस्टोन स्पीशीज डिक्रीज द स्पीशीज रिचनेस इन इकोसिस्टम। देखिए पॉजिटिव रोल अदा करता है, रिचनेस को बढ़ाता है, कम नहीं करता। डिक्रीज अगर इंक्रीज वाला है वो होगा। कीस्टोन स्पीशीज हैव नो इफेक्ट ऑन स्पीशीज, नो इफेक्ट नहीं है, ये भी गलत है। ये हो गया जीरो इफेक्ट, ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट, और कीस्टोन स्पीशीज इंक्रीज द, है ना, रिचनेस इन इकोसिस्टम, ये हो गया पॉजिटिव इफेक्ट। जब दो ओपोजिशन हो उसमें राइट आंसर छुपा होता है। तो ये दो ओपोजिशन डिक्रीज और इंक्रीज है, पॉजिटिव हमें पता है, ये रखा पॉजिटिव, तो राइट आंसर 100% यही है, स्पीशीज रिचनेस हैज नो इम्पैक्ट ऑन कीस्टोन। तो ये नो वाला जीरो वाला ही है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी इज राइट आंसर, उधर हमने किया ही नहीं। चलो दोबारा करके आगे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट की स्टोन स्पीशियस इज फॉल्स। पहले ट्रू पूछी से अब फॉल्स पूछे, फॉल्स को ना थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है ऐसे करके, कैसे, ऐसे ये कर लिया सर्कल। कीस्टोन स्पीशीज आर ऑलवेज टॉप प्रिडिक्टर, ऑलवेज तो वाला गलत ही होगा, है ना, ऑलवेज वाला नहीं, ऑलवेज वाले पर शक करना है कि ये गलत होता है। अच्छा यहाँ फॉल्स पूछा है, हाँ तो ये ठीक हो सकता है यहाँ पर फिर, है ना, यहाँ फॉल्स है ना, तो ये ठीक होगा, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज कैन बी प्लांट और एनिमल। यस, क्यों नहीं हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। कीस्टोन स्पीशीज आर क्रूशियल, देखा हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने एमिनेबल एनिमल की एग्जांपल ही लर्न की थी, तो क्वेश्चन से ये ऐड हो गया कि प्लांट भी हो सकते हैं। कीस्टोन स्पीशीज आर क्रूशियल, वेरी गुड, सेंट्रल फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, दूसरा शब्द, हाँ यस बिल्कुल ठीक है ये, है ना, ये ठीक है। यहाँ फॉल्स पूछा है, ये गलत हो गया, इस ये भी गलत हो गया। कीस्टोन स्पीशीज हैव डिसप्रोपोर्शनिएट इम्पैक्ट ऑन अदर स्पीशीज, ये वर्ड एग्जैक्ट ऐसे ही हमने किए थे, तो ऐसे ही हमने इसको कहा कि ये कीस्टोन का फीचर है। यहाँ पर फॉल्स पूछा गया है, हमने रिजेक्ट कर दिया, राइट आंसर हमारे पास पहला है, कीस्टोन प्रजाति का हमेशा शीर्ष परिशिष्मी होती है, परिभक्षी होती है, ऑलवेज टॉप प्रिडिक्टर, परिभक्षी दूसरे भक्षियों को खाने वाला, हाँ हमेशा थोड़ी होता है, अगर वो पीछे करके आए हैं कि यहाँ भी किया है प्लांट हो सकते हैं, तो वो दूसरों को थोड़ी खाता है, यहाँ से भी रीजनिंग कर लेनी है। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द कीस्टोन स्पीशीज दैट हैज पर्टिकुलरली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, कौन सा शब्द एक कीस्टोन प्रजाति की वर्णन करता है जो पारिस्थितिक तंत्र पर विशेष रूप पे बड़ा प्रभाव करता है। सुपर कीस्टोन स्पीशीज, मेगा कीस्टोन स्पीशीज, एपेक्स कीस्टोन स्पीशीज, हाइपर कीस्टोन स्पीशीज, सिंपल है एपेक्स को याद रखना है, राइट आंसर इज एपेक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये तो पहले भी किया है ना, बीवर हमने स्पष्ट एग्जाम्पल की थी, तो वही रिपीट हो गया है, अमेरिकन बीवर किया था ना, उसकी इमेज भी देखी थी। नेक्स्ट है, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, ओके, हाउ डू कीस्टोन स्पीशीज कंट्रीब्यूट टू द रेजिलेंसी ऑफ इकोसिस्टम, कंपनसेट करना है जो, जैसे बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग अदर स्पीशीज, ये टर्म बार बार आई है, कंपटीशन से नहीं लेना देना, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज
बात हो चुकी है, नहीं ऐसे कोई वो काम नहीं करते, बाय रेगुलेटिंग, ये तक है रेगुलेटिंग कितना इंपॉर्टेंट शब्द आ गया, इसको टिक कर लिया। इकोसिस्टम प्रोसेसेस बहुत बार आया है ना ये, मेंटेनिंग बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस, ये राइट आंसर मिल गया हमें। बाय माइग्रेटिंग, ये नहीं, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द की स्टोन स्पीशियस टर्म, सेंट्रल क्वेश्चन सबसे बाद में, ये रहा कीस्टोन प्रजातियों के परिस्थिति तंत्र के लचकीलेपन के योगदान, नहीं ये वाला लास्ट है। कीस्टोन शब्द के पीछे मुख्य अवधारणा क्या है, कीस्टोन स्पीशीज प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट प्राइमरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क और रिजेक्ट। कीस्टोन स्पीशीज आर फाउंड ओनली, ओनली शब्द ने शक पैदा किया, रीजनिंग मैंने अप्लाई की ट्रॉपिकल रेनफॉल, नहीं यार हमारे इंडिया के जंगल एलिफेंट की बात की है तो ये रिजेक्ट पक्का हो गया। कीस्टोन स्पीशीज हैव ए सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस या इंटीग्रिटी, कितने शब्द मिल गए है ना, राइट आंसर है कीस्टोन स्पीशीज आर ऑलवेज, ऑलवेज ने शक पैदा किया और रॉन्ग की तरफ लेके गया, एंडेंजर स्पीशीज गलत हो गया, तो राइट आंसर है कीस्टोन स्पीशीज हैव सेंट्रल रोल परिस्थितिक तंत्र में अखंडता बनाए रखने और कीस्टोन प्रजातियों के केंद्रीय भूमिका, तो ये हो गया कीस्टोन पर ये क्वेश्चन थे एमसीक्यू, बाकी स्पीशीज पर भी कैसे कंसेप्ट पर और क्वेश्चन भी साथ साथ में डिस्कस करूँगा। तो आप कोई और एरिया सजेस्टेड हो आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।